मुरादाबाद में 95 फुट का रावण परंपरागत तरीके से किया गया दहन। यूपी के जनपद मुरादाबाद के लाइन पार रामलीला मैदान में कलाकारों ने मंगलवार को राम रावण युद्ध रावण वध प्रसंग का मंचन किया। इसके बाद दशहरा मनाया गया। राम रावण का युद्ध अब अंतिम चरण में था। युद्ध क्षेत्र में रावण और राम अपने अपने रथों पर एक दूसरे के सामने थे। इसी समय राम ने रावण पर अनेक वाणों से प्रहार किया, लेकिन रावण का अंत नहीं हुआ। तब विभीषण ने भगवान राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत का वास है। भगवान राम ने अग्निवाण से रावण की नाभि का अमृत सुखा दिया। राम के तरकश से निकले तीर ने रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। रावण दहन के बाद दर्शकों में सबसे ज्यादा बेचैनी रावण की अस्थियों को बीनने की रही। अस्थियां बीनने की जल्दबाजी में आपाधापी का माहौल बन गया। लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि पुलिस प्रशासन के चौकस होने की वजह से माहौल शांतिपूर्ण रहा। आग से कोई नुकसान न हो, इसके लिए अग्निशमन विभाग भी मुस्तैद था। देखिए, आज आप सभी को जानकारी है कि आज विजयदशमी का जो पावन पर्व है वो सभी जगह जनपद में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। और आज अभी जो रामलीला ग्राउंड है यहाँ पर अभी जो रावण दहन हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। काफी यहाँ पर सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट किए गए थे और जनपद में सभी जगह शांतिपूर्ण के कहीं पर इसके अलावा बाकी सभी जगह से जो रावण दहन के कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए गए। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो जो जनता की व्यवस्था उसको हम लोग लगातार देख रहे हैं और अभी तक किसी प्रकार विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।